सो गाइस हेडिंग डालेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। अब हम यहाँ पर पाइला के सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, और आपको जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ उसको नोट करते रहना है ताकि आप उसके बेस पर एग्जामिनेशन पेपर में भी एक्सप्लेन कर सकें। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने दो डायग्राम्स बनाए हैं। अभी आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा ऊपर वाला डायग्राम, लेकिन जैसे हम इसको समझ लेंगे हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमने दो डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें पाइला के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। नीचे वाला जो डायग्राम है ये पाइला के हार्ट का डायग्राम है, और ऊपर वाला ये इस हार्ट की पोजिशन बताने के लिए सफिशियंट है। हालांकि अगर हम देखा जाए जो हार्ट वाला जो डायग्राम है ये आपको सफिशियंट है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाने के लिए, ठीक है, यही काफी है। लेकिन ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये आपको दिखाता है कि आखिर पाइला में जो हार्ट की पोजीशन है इसकी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो हार्ट है इसकी पोजीशन क्या है। तो देखो आप यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर्स को या इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये आगे की तरफ होता है माउथ। ठीक है, आपको अगर पाइला के आप मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा तब आपको पता चलेगा इसके माउथ के बारे में। ये होता है इसका माउथ, और ये टेंटिकल्स हैं, ये आईज हैं, और इन आईज से देखो किस तरीके से इस हार्ट से निकली हुई वेन्स हैं। ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर की तरफ वेन्स जा रही है, नीचे की तरफ वेन्स जा रही है, और किस किस तरीके से ये टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच रही है, और इन्हीं में किस तरीके से जो ब्लड होता है वो सप्लाई होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पर इस पूरी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ड्यू टू द डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, आपको पता है कि पाइला के अंदर दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। पाइला जो है एरियल रेस्पिरेशन करता है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब जल में रहने के बाद भी ये सांस लेता है। ठीक है, और मतलब और उसके बाद जब ये एरियल रहता है मतलब कि टेरेस्ट्रियल जब ये लैंड पर होता है तब भी ये सांस लेता है। तो इसमें दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। तो इस दो तरह के रेस्पिरेशन की वजह से इसका जो कंप्लीट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। सो यही बात है यहाँ पर, ड्यू टू द डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोसोबा हैज बिकम ए वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। इट इज ओपन टाइप एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर देखो ये पांच स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं तो इसी के बेस पर आप पूरा एग्जामिनेशन पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये है पेरिकार्डियम, नंबर सेकंड है हार्ट, और नंबर थर्ड है आर्टरीज, और उसके बाद नंबर फोर्थ साइनेसिस, और उसके बाद है वेन्स। ठीक है, वेन्स क्या है, थ्रू विच द ब्लड फ्लोज, जिसके हेल्प से जो ब्लड है वो कंप्लीट बॉडी की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो ये सभी स्ट्रक्चर्स है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स का इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में खेल है। इसी चीज को हमको ध्यान से समझना है, पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनेसिस, वेन्स, और वेन्स वो होती है जिसकी हेल्प से ब्लड जो है फ्लो करता है। और इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें, ये देखो सबसे पहले हम हार्ट को समझ लेते हैं। देखो हार्ट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आ रही है, ये जो हार्ट में सबसे पहले ये जो बीच में दो चैम्बर है, ठीक है, हार्ट जो है वो दो चैम्बर का मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट चैम्बर को जो ऊपर वाला चैम्बर है इसको हम बोलेंगे ऑरिकल, मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है अलिंद। ठीक है, और जो नीचे वाला जो चैम्बर है इसको बोलेंगे हम वेंट्रिकल। तो देखो आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरिकल के बारे में, ये ट्राइएंगुलर होता है, और ध्यान से देखे जाए तो इसमें तीन वेन्स निकलती हैं। ठीक है, ये वाली वेन्स इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रीनियल साइनस। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये जो तीनों वेन्स हैं ये इस ओरिकल से निकली हुई हैं, और इसमें इसका जो ऊपर वाले जो सबसे ऊपर वाला जो नाम है इसको बोलेंगे एफरेंट टेनिडियल वेन्स, बीच वाले का नाम है ये अफरेंट है और ये इफरेंट है। ठीक है, अफरेंट और इफरेंट में डिफरेंस है, ये अफरेंट टेनिडियल वेन्स है और ये इफरेंट टेनिडियल वेन्स है, और नीचे वाली जो वेन्स आपको दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी वेन। ठीक है, और उसके बाद अगर नीचे की तरफ आए यहाँ पर अब देखो ये जो पूरा ऑर्टिकल है मतलब कि अलिंद है ये ओपन हो रहा है बड़े से इसके बेसल पार्ट, ये तो इसका बेसल पार्ट हो जाएगा। बेसल पार्ट से नीचे की तरफ आप ध्यान से देखें तो ये है वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो वेंट जो हम कह सकते हैं कि जो अलिंद होता है जो ओरिकल होता है ये अपने बेसल पार्ट में एक ओरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर के थ्रू खुलता है। इसको क्या बोलेंगे, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, एक छिद्र होता है जिसकी हेल्प से इसमें ओपन होता है, और यहीं पर होता है अर्धचंद्राकार कपाट, जो कि जैसे आप सपोज करो यहां से ब्लड आया और ब्लड जो है इस ओरिकल के थ्रू वेंट्रिकल में पहुंच गया, लेकिन वेंट्रिकल से दोबारा ओरिकल में ना पहुंचे इसके लिए पाया जाता है इसके अंदर अर्धचंद्राकार कपाट, जो कि प्रेजेंट होता है ओरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर में। ये हम अभी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो देखो क्या होगा, जब ये ब्लड यहां पर आएगा उसके बाद ये जो वेंट्रिकल है ये भी ये दो वेन्स की तरफ ओपन होता है। इस ध्यान से देखा जाए तो देखो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्टिक एम्प्यूला। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है।
ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और ये पंप करने का कार्य करता है। और यही चीज है, अब देखो ये जो डायग्राम अभी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको आप थोड़ा सा अगर इस तरीके से मोड़ दें, ठीक है, अभी ये इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे मोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो अब यहाँ पर देखिए इस हर्ट के डायग्राम को, ऊपर की तरफ ये जो पूरा ब्रेन केस की तरफ, ये ऊपर की तरफ वेन्स गई हुई है, कुछ वेन्स नीचे की तरफ गई हुई है। अब इसमें क्या है, कुछ जिसमें जो ब्लड आता है, ये सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली तरीके से जब आप सांस लेते हो तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करता है, सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है, तो पाइला के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ऑक्सीजन ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और इसके इसका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, इसी उस चीज को जो एक्सेप्ट कर लेगा उसको हम बोलेंगे शुद्ध रुधिर, ठीक है, प्योर रुधिर या फिर प्योर ब्लड, और जो अशुद्ध होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जैसे पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनेसिस। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा पेरिकार्डियम, फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा से हार्ट को, फिर आर्टरीज को, फिर साइनेसिस को, फिर वेन्स को, ठीक है। और ये डायग्राम अच्छी तरीके से नोट कर ले। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम अगर आप ध्यान से देखा जाए तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पूरे हार्ट को घेरे हुए एक वॉल दिखाई दे रही है, इसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम एक थिन वॉलिड होती है, एक पतली सी एक वाल होती है जो कि ओव्यूइड होती है, मतलब अंडाकार होती है, एक अंडाकार सैक की तरह, ठीक है, एक अंडाकार सैक की तरह थिन वॉलिड होती है, ओविड सैक की तरह होती है, और इन विच हर्ट आर क्लोज्ड, इसमें जो हर्ट होता है, जो दिल होता है पाइला का, वो इसमें क्लोज्ड रहता है, ठीक है। इस तरीके से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम हर्ट के बारे में। इसका जो हर्ट होता है वो टू चैम्बर्ड का बना होता है, ध्यान से देखा जाए इसका जो हर्ट है वो दो चैम्बर का बना होता है, ऊपर की तरफ होता है ऑरिकल, नीचे की तरफ हम देख सकते हैं वेंट्रिकल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ऑरिकल्स होता है लाइज इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है, ये जो पेरिकार्डियम के डोर्सल पार्ट्स की तरफ लाई करता है, और ये जो है थोड़ा कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। सबसे पहले इसके बारे में, ओरिकल के बारे में हम जान लेते हैं, जिसको हिंदी में अलिंद बोला जाता है। ये जो है कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ट्राई एंगुलर होती है, त्रिकोणीय होती है, और एक चैम्बर होता है, ट्राई एंगुलर और कॉन्ट्रेक्टाइल चैम्बर होता है। इससे थ्री वेन्स निकलती हैं, ये ध्यान से देखा जाए, एक दो तीन, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करना है, इन तीनों को कंसिडर करना है। थ्री वेन्स निकलती हैं, फर्स्ट वेन्स का नाम है पल्मोनरी वेन, सेकेंड नंबर पर जो वेन है उसको बोलेंगे इफ्रेंटेनिडियल वेन, और ये होता है अफ्रेंटेनिडियल वेन, ठीक है। ये तीन वेन्स होती हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, ये जो है अलिंद के अंदर, ठीक है, इस ओरिकल के अंदर जो ऑक्सीजेनिक ब्लड को लाती हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जैसे आप सांस लेते हो तो ब्लड जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को गेन कर लेता है, तो शुद्ध रुधिर जो होता है इसी इन्हीं वेन्स के द्वारा इस ओरिकल में एंटर करता है, ठीक है। अब देखो क्या है, नंबर सेकंड पर आता है वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल को हम हिंदी में बोलते हैं नीले, ठीक है, ये होता ऊपर वाले को अलिंद बोलेंगे, नीचे वाले को हम बोलेंगे नीले। अब ये जो वेंट्रिकल होता है ये थिक वॉलिड, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बेस पर इसके पॉइंट्स को नोट करें तो वो थिक वॉलिड होता है एंड कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, मतलब संकुचनशील होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है सिफेलिक, यहाँ पर ये तो पॉइंट्स इस वाले पॉइंट का बात की गई है, बट यहाँ पर ये थिक वॉलिड होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉलिड होता है, थोड़ा ओविड चैम्बर है, ये भी एक तरीके से आप देखें तो ये अंडाकार चैम्बर होता है, ठीक है। अब ये जो अलिंद आपको दिखाई दे रहा है इसके बेसल पार्ट पर क्या है, जैसे कोई चीज है, जैसे ये कोई एक्सिस खड़ा हुआ है तो इसका बेस पार्ट क्या होगा, ये नीचे वाला जो पार्ट होगा इसी को हम बोला जाता है बेसल पार्ट। अगर आपसे कहीं पर भी, चाहे वो बॉटनी में चाहे जूलॉजी में, कहीं पर भी अगर कहा जाए कि किसी चीज का बेसल पार्ट, तो मतलब उसका नीचे वाला जिससे उसका बेस है वो उसका बेसल पार्ट कहलाएगा। तो अगर देखा जाए ये ओरिकल का बेसल पार्ट क्या है, ये नीले, ठीक है, इस ओरिकल का मतलब कि अलिंद का जो बेसल पार्ट है वो नीले से, यहाँ से इसमें एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है, ठीक है। और ये जो अर्धचंद्राकार कपाट होता है ये कहाँ पर, किस में प्रेजेंट होता है, ये ओरिकुलो वेंट्रिकल अपर्चर में, मतलब अपर्चर मतलब छिद्र, ओरिकुलर मतलब कि अलिंद और वेंट्रिकल, अलिंद और मतलब कि ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच एक अपर्चर, एक छिद्र प्रेजेंट होता है जिसमें अर्धचंद्राकार कपाट होता है। उस कपाट का कार्य ये होता है कि जब जैसे शुद्ध रुधिर, जो प्योर रुधिर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो इस ओरिकल से वेंट्रिकल में चला जाता है, लेकिन वेंट्रिकल से वापस ओरिकल के अंदर नहीं जा सकता। ये पॉइंट नोट करने का पॉइंट है,
तो आप यहाँ पर देखो, जैसे एक ओविड स्ट्रक्चर, जो वेंट्रिकल होता है, एक ओविड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर होता है इसकी। जो अगर बाल की बात की जाए तो पूरा एक मसल फाइबर्स का पूरा जाल फैला रहता है। वेंट्रिकल की अगर बात की जाए तो ये मस्कुलर टाइप का होता है और इसकी मसल फाइबर्स का पूरा जाल बना होता है। और इसी में से जो ब्लड होता है, देखो अब यहाँ पर ये जो आप देखेंगे, ये जो है ओर्टा में खुलता है। इस ओर्टा में भी एक अर्धचंद्राकार कपाट होता है जो कि ब्लड को, जो प्योर रुधिर था, जो शुद्ध रुधिर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था, वो वेंट्रिकल से ओर्टा में चला जाता है, लेकिन ओर्टा से वापस वेंट्रिकल में नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद देखा जाए इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है एर्टरीज। ठीक है, उसके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे हमने कि अभी हार्ट को डिफाइन किया, हार्ट में अभी अगर ध्यान से, और भी अगर स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो ये जो आपको इस पोजीशन के बेस पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ऊपर, ये जो तीनों की तीनों वेन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, इधर इधर की तरफ जाएंगे, और ये नीचे वाला जो वेन्स आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एड्रेस की बात की जाए, देखो वेंट्रिकल, ये जो वेंट्रिकल नीचे वाले हम बात करें, और ये तो ओरिकल स्ट्रक्चर है, ये वेंट्रिकल होता है मतलब नीले है। नीले से वन ब्लड विसल्स, एक ब्लड विसल्स निकलती है। ठीक है, इस नीले से एक ब्लड विसल्स निकलती है जो कि फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसी इसी ब्लड विसल्स को हम बोलते हैं ऑर्ट्रिक ट्रंक। ठीक है, और इसी ऑर्ट्रिक ट्रंक में कपार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये दो तरह की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑर्ट्रिक ट्रंक होता है, ये जो विसल्स निकली है इसको हमने दो भागों में फर्दर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले ये एक नाल गई, फिर ये इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हो गई, और दो भागों में डिवाइड होने के मतलब कि एक तो होगी सिफेलिक ओर्टा, यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम सिफेलिक ओर्टा। सिफेलिक से आपको क्या माइंड में आ रहा है, सिफेलिक का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं ब्रेन वाले पार्ट में, जैसा कि ये देख रहे हैं ये पूरा पूरा सिफेलिक गया हुआ है। ठीक है, सिफेलिक की तरफ ये ओर्टा गया हुआ है और इसी से वेन्स निकली हुई है। ठीक है, इसी से ब्लड जो है सिफेलिक की तरफ, जो इसका सर होता है उसमें, उसके ब्रेन केस में ब्लड प्रवाहित होता है। ठीक है, सप्लाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया एक सिफेलिक ओर्टा होता है, एक नंबर सेकंड एक होता है विसरल ओर्टा। ठीक है, विसरल ओर्टा से अब देखो सबसे पहले बात करते हैं सिफेलिक ओर्टा से, जैसे हम यहां से बात कर लेते हैं इसमें से। सिफेलिक ओर्टा इस पोजीशन के बेस पर कैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये अब ये लिखा हुआ है सिफेलिक ओर्टा, अगर ध्यान से देखें जहां पर मेरी उंगली है ये सिफेलिक ओर्टा, और इसके तीर का निशान देखें तो ये है। अब ये जो सिफेलिक ओर्टा है ये मुड़ करके ये गया हुआ पूरा यहां तक के। अब ये क्या है, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, देखो इससे सिफेलिक ओर्टा है, इसी से कौन कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी एर्टरीज निकली हुई है। ठीक है, देखिए ये क्यूटिक्यूनस एट्री, ठीक है, एक तो होती है क्यूटिक्यूनस एट्री। क्यूटिक्यूनस से क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि त्वचा। ठीक है, क्यूटिक्यूनस एट्री यहाँ पर होगा, ये देखो क्यूटिक्यूनस एट्री, यहाँ से ये विसल्स निकली हुई है। ठीक है, ये वेन्स यहाँ से फर्दर ब्रांच, मतलब कि एक बीच में जो यहाँ पर जो सिफेलिक ओर्टा है इससे जैसे एक आप समझ सकते हैं एक लाइन से पाइप गई हुई है, वो पूरे ब्रांच में डिवाइड है, और ये जो पूरी तरीके से ब्रांच में डिवाइड है ये कभी किस कहीं पर टेंटिकल्स में, कहीं पर आइज में, ठीक है, कहीं पर साइफोनल में, मतलब अलग अलग तरीके से, और उसी की बेस पर हमने इसका नाम रख दिया है। ठीक है, तो क्यूटिक्यूनस एट्री, ओसोफेसियल एट्रीज एंड पेलियल एट्रीज, और पेलियल एट्रीज फर्दर आप आगे पूर्ण रूप से डिवाइड है। ये देखो ये टेंटिकल्स है, ये टेंटिकुलर एट्री है, ये ऑप्टिक एट्री है। ऑप्टिक दैट मीन्स कि आंखों, जो जो आईज से रिलेटेड है, ऐसी एट्री जो आईज में चली गई है उसको हम ऑप्टिक एट्री बोल देंगे। ये पेनल एट्री है, ठीक है, ये राइट सेफोनल एट्री है, यहाँ यहीं से निकलती है एक राइट सेफोनल एट्री। ये राइट पेरियल एट्री है, पेरियल एट्री, ये देखो यहाँ ये नीचे की तरफ ऐसे गई है, इसको बोलेंगे राइट पेरियल एट्री। ठीक है, और ये जो दो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है इफ्रेंट टेनिडियल वेन्स, एंड एक होता है इफ्रेंट टेनिडियल और एक अफ्रेंट टेनिडियल। बाहर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है गिल से इधर की तरफ, इसको हम बोलेंगे अफ्रेंट। ठीक है, इसको हम अफ्रेंट टेनिडियल वेन, और ये जो अंदर की तरफ ये जो वेन्स गई है इसको बोलेंगे इफ्रेंट टेनिडियल वेन्स। ठीक है, ये है ब्रेंकियो रीनल साइनस जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रैंकियो रीनल साइनस का स्ट्रक्चर है, बाकी ये तीन जो है वो वेन्स निकलती है ओर्टा। तो फाइनली हमने क्या देखा, ये जो हम एर्टरीज पर वापस आए, एक अगर सिंपल शब्दों में हमें जो मेन पॉइंट याद रखने हैं वो कौन कौन से रखने हैं, कि जो एर्टरीज होती है वो एक नीले से सिर्फ एक निकलती है। ठीक है, उसमें से एक एर्टरी, एक ट्रंक निकलती है जिसको हम बोलते हैं ओर्टिक ट्रंक। इस ओर्टिक ट्रंक से ये दो फर्दर दो भागों में डिवाइड होती है, एक सिफेलिक ओर्टा जो कि सिफेलिक मतलब ब्रेन के ऊपर की तरफ जाती है, एक विसरल ओर्टा जो कि नीचे की तरफ आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो वेन्स गई हुई है ये सब नीचे की तरफ, ये ओर्टा जो है फर्दर ब्रांचिड है,
और इस ये जो ब्रांच है, इन ब्रांच के कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि गैस्ट्रिक ब्रांच एंड हिपेट्रिक एट्री, इंटेस्टाइनल एट्री, गैस्ट्रिक, हिपेटिक, ठीक है, इंटेस्टाइनल जो कि इंटेस्टाइन की तरफ गई हुई है। तो मतलब यहाँ पर ये जो एट्री जो फर्दर ब्रांच के रूप में दिखाई दे रही है, या फिर इनके जो नाम उसी के बेस पर रखा गया, जोन सी एट्री जिस टारगेट ऑर्गन के पास जा रही है उसी के बेस पर उसका नाम है, ठीक है। ये है देखो लेफ्ट साइफोनल एट्री, और ये है रेडुलर सैक, ठीक है, रेगुलर सेक एट्री। मतलब कि जैसे जैसे आप यहाँ पर ये सिफेलिक है, लेकिन अगर सिंपल रूप से अगर कहा जाए तो ये कौन सी है, सिफेलिक एट्री, जो कि ब्रेन केस की तरफ गई है, लेकिन जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है उसी के बेस पर इसका नाम है। देखो रेगुलर सेक एट्री, ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट साइफोनल एट्री, मतलब इसको फर्दर जैसे जैसे इसमें ब्रांच किया गया वैसे वैसे उसी का नाम पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पेरिकार्डियम की बात की, हार्ट की बात करी और एट्रीज की बात की, अब हम साइनस के बारे में बात करते हैं, इसको पहले नोट करें। सो गाइज फाइनली अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइनेसिस के बारे में और वेंस के बारे में। अब देखो ये जो साइनेसिस क्या होता है, जैसे मैंने आपकी अभी आपको एर्टरीज के बारे में डिफाइन किया, तो एर्टरीज फर्दर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड थी, ठीक है। मतलब एक एर्टरीज अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाकर के अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए, तो जैसे ये कोई मेन रोड निकला हुआ है, इस रोड से एक गली ये निकली, एक गली ये निकली, एक गली ये निकली, और तब जाकर आप अपने घर में चले गए। इसी तरीके से क्या होता है कि इसमें हम मान लेते हैं ये सिफेलिक ओल्टा है, और इस सिफेलिक ओल्टा से ये एर्टरीज निकली है, और इसी से ये साइनेसिस निकली है, और ये डायरेक्टली आपको टारगेट टिश्यूज तक पहुंचा रहे हैं, ब्लड को टारगेट टिश्यूज तक। तो साइनेसिस क्या है, साइनेसिस वो एक ऐसी सिराएं हैं, एक ऐसा पाइप है जो कि आप कह सकते हैं कि जो ब्लड को डायरेक्टली टिश्यूज तक के पहुंचाता है, या टारगेट ऑर्गन या टिश्यूज तक पहुंचाता है जहां पर उस ब्लड की जरूरत है, अलग अलग ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स तक के, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर फिर से डिफाइन कर लेते हैं कि साइनेसिस जो है वो आर्टरीज की वो लास्ट ब्रांच होती है जो कि डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज तक के ब्लड को पहुंचाती है, ठीक है। तो उसके बाद नंबर सेकेंड आता है वेन्स। देखो अब ये जो साइनेसिस है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पर वो ब्लड को पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर वो टारगेट टिश्यूज तक या ऑर्गन्स तक ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं उसी के बेस पर इसका नाम रख दिया है, पेरी विसरल साइनेसिस या पेरी इंटेस्टाइनल साइनेसिस, ब्रैंकियोरिनल साइनेसिस एंड पल्मोनरी साइनेसिस, ठीक है। उसके बाद वेन्स की बात की जाए तो वेन्स का कार्य होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, जो ब्लड होता है उसको इलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जो अशुद्ध रुधिर हुआ है वो सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स या टिश्यूज को उसको इकट्ठा करके फिर दोबारा से हार्ट के उस ओरिकल में प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो कि जो इसके उत्सर्जी अंग होता है, जो इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उन सब से निकल करके आती है, ठीक है। तो देखो ये वेन्स जो होती है, मैंने आपको बताया इनका कार्य होता है इलेक्शन ऑफ ब्लड विथ डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन से उस ब्लड को वापस खींचना, जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको वापस से खींचना, ठीक है, वापस ला करके फिर दोबारा से उसी हार्ट के अंदर इन वेन्स के द्वारा जो है ओरिकल्स में प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ ब्लड इसका वेन्स का हमेशा ध्यान रखना, इसका इसके लिए पॉइंट है इलेक्शन ऑफ ब्लड को। अब ये जो ब्लड होता है ये इसमें हीमोसाइनिन होता है। अब अगर थोड़ा सा पाइला के ब्लड के बारे में बात की जाए तो ये जो है इसके अंदर हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, जिसमें कॉपर की मात्रा प्रेजेंट होती है। कॉपर की मात्रा के प्रेजेंटेशन के कारण इसी जो है हल्का सा जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है, और इसमें एमिबोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो वेन्स है ये भी इसी तरीके से डिफरेंट तरीके से इसमें यहाँ पर डिवाइड है, इसके भी अलग अलग नाम है, जैसे कि इफरेंट टेनिडियल वेन, अफरेंट टेनिडियल वेन एंड इफरेंट रीनल वेन एंड पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से पाइला के अंदर ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा जो है इसमें ब्लड सप्लाई किया जाता है, और इसमें जो है इस पर रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आता है, ठीक है। फाइनली एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये है पाइला का, जो हम यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इसमें जो आप एग्जाम पेपर में अगर आपके पास समय हो तब ये दोनों डायग्राम बना दीजिए, वरना मेन अगर आपके पास वहाँ पर समय नहीं होगा तब आपको ये डायग्राम पूरा का पूरा बनाना होगा, और इसी के बेस पर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि जो हार्ट होता है हार्ट की स्ट्रक्चर के बेस पर डिफाइन करें, फिर हार्ट में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसका कार्य क्या है, फंक्शन के बेस पर उसको डिफाइन करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।